दिस ललन टॉप वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय याकुल्ट। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। बिहार का सीतामढ़ी जिला, यहाँ जितिया पर्व का खासा महत्व है। बीते दिनों इसी पर्व को लेकर ऐसी अफवाह फैली कि जिले की किराना दुकानों पर पार्ले जी के बिस्किट का स्टॉक खत्म हो गया। जगह जगह इस बिस्किट को खरीदने की लाइनें लग गई। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। इंडिया टुडे से जुड़े केशव आनंद की रिपोर्ट के मुताबिक जितिया पर्व के दौरान महिलाएं व्रत रखती हैं। धारणा यह है कि यह व्रत रखने से बच्चों को लंबे और सुखी जीवन की प्राप्ति होती है। बीते दिनों भी सीतामढ़ी की महिलाओं ने व्रत रखा। इसी दौरान यह अफवाह फैल गई कि घर के लड़कों को माँ को पार्ले जी बिस्किट खिलाना होगा। अगर घर के बेटे ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ अनहोनी हो सकती है। देखते ही देखते दुकानों पर पार्ले जी खरीदने वालों की भीड़ लग गई। एक ऐसे ही खरीदार ने इंडिया टुडे को बताया, कुछ देर पहले ही मैं अपनी दुकान से घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि पार्ले जी ले आओ। मैंने कहा कि आखिर किस लिए। माँ ने बोला कि जिन्होंने जितिया का व्रत रखा हुआ है उनका बेटा उन्हें पार्ले जी खिलाएगा। अभी बात सही है या नहीं ये तो नहीं पता, मोहल्ले में भी लोग यही बात कह रहे थे। कई लोगों ने पूछा तो उन्होंने भी यही कहा। माँ ने कहा तो पार्ले जी लेने आया हूँ, 4 पार्ले जी लिए हैं, घर जाकर माँ को खिलाऊंगा, देखते हैं क्या असर होता है। इसी तरह एक दुकानदार ने बताया, अचानक से पार्ले जी को लेकर हल्ला हो गया। हमने पूछा क्या हुआ तो लोग बोले कि जो जितिया पर्व किए हुए हैं उसके लड़कों को पार्ले जी खिलाना है। पूरी अफवाह फैल गई। हम तो दुकानदार हैं, लोग जो मांगेंगे वो देंगे, उन्होंने पार्ले जी मांगे तो मैंने वो दिया। लोगों ने पार्ले जी के अलावा कोई दूसरा बिस्किट नहीं खरीदा। अब बस मेरे पास स्टॉक में पार्ले जी के 2 पैकेट बचे हुए हैं। पार्ले जी को लेकर इस तरह की अफवाह कब, किसने और कहां फैलाई ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। वहीं एक स्थानीय न्यूज पोर्टल से बातचीत में सीतामढ़ी जिला प्रशासन अधिकारी DPRO परिमल कुमार ने कहा, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, इस दौर में हमें अंधविश्वास में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। यह बेहद हास्यास्पद अफवाह है, लोग शांति बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान ना दें। दूसरी तरफ इस अफवाह के चलते सीतामढ़ी में पार्ले जी की बिस्किट की बिक्री में उछाल आया है। पार्ले जी बिस्किट खाने से कुछ अच्छा होने की बातें कोरी बकवास हैं। हालांकि इस अफवाह से कंपनी को थोड़ा तो फायदा हुआ ही है। आपके लिए ये खबर लिखी हमारे साथी मुरारी ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। कौन से सवाल का जवाब है यूपी, कौन सी देनदारियों का हिसाब है यूपी, बवाल कमाल या फिर संख्या का भोकाल है यूपी, किसी का हासिल तो किसी का मलाल है यूपी, खुशहाल बदहाल या बहरहाल है यूपी, बताओ तुम्हारा क्या हाल है यूपी।